Hi, Shreya this side. I'm an agriculture student, so I would be teaching agriculture to you. In this lecture, we would be learning about different cropping patterns. जो फार्मर होता है, what do you think वो कैसे डिसाइड करता है कि मैं क्रॉप ये वाली उगाऊंगा? What do you think? पहले तो वो ये देखता है कि जो वो सीड उगा रहा है वो उसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही बेनिफिट दे रही है ना. ये तो नहीं कि 3-4 साल बाद उसको बेनिफिट मिल रहा है. ऐसा तो उसका घर तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको थोड़े पीरियड के बाद ही पैसे चाहिए होंगे ना. तो वो ऐसी सीड को उगाता है ताकि उसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही उसको बेनिफिट मिल जाए. और ऐसा सीड वो चूज़ करेगा जो उसको कि मैक्सिमम बेनिफिट करे, राइट. और थर्ड, वो ऐसा सीड देखेगा जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंट होगा, उस पर डिजीज़ जल्दी नहीं लगेंगे. वो ऐसे सीड्स को चूज़ करता है. ये सोचकर ही उसकी जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है ज़्यादा हो पाती है. तो एक फार्मर क्या करता है कि ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अपने एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड से वो कैसे लेते हैं, हमें ये पता करना है कि वो छोटे से लैंड में ऐसा कैसे उगा देते हैं क्रॉप जिससे उनको इतनी सारी प्रोडक्टिविटी मिल जाती है. तो देयर आर डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स, जैसे कि मिक्स क्रॉपिंग, सेकेंड इज़ क्रॉप रोटेशन, एंड थर्ड वन इज़ इंटरक्रॉपिंग. सो वट इज़ मिक्स क्रॉपिंग? मिक्स क्रॉपिंग में क्या करते हैं कि एक ही लैंड में दो तरह की क्रॉप्स उगा देते हैं, वीट और ग्राम जैसे कि. तो जो ये क्रॉप्स ये ऐसी चूज़ करते हैं जो कि एक दूसरे को हार्म ना करे. जैसे कि अगर ग्राम और वीट को इसीलिए उन्होंने चूज़ किया क्योंकि जो वीट्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होती है उसको, और ग्राम को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन नहीं करते और वो दोनों ही ग्रो कर पाते हैं. और जो फार्मर है उसको डबल बेनिफिट मिलता है, उसको प्रॉफिट ज़्यादा होता है. एक ही पीस ऑफ लैंड में दो तरह की क्रॉप्स को उगा कर उसको ज़्यादा बेनिफिट होता है, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग. द सेकेंड वन इज इंटरक्रॉपिंग. इंटर का क्या मतलब है? इंटर मतलब बीच में, इन बिटवीन. एक ही क्रॉप है, मतलब एक ही क्रॉप है और उसके बीच में दूसरी क्रॉप को उगा देना एक ही पीस ऑफ लैंड में, तो इसको हम इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं. इससे भी फार्मर्स का बहुत बेनिफिट होता है. दो क्रॉप्स के पैसे उनको मिलते हैं, प्रॉफिट उनका ज़्यादा होता है और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है. थर्ड इज क्रॉप रोटेशन. इसके वर्ड से पता चला कि क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है, क्रॉप को रोटेट करना. ईयर आफ्टर ईयर हम क्या करते हैं, एक पीस ऑफ लैंड को, जैसे कि पहले हमने कोई और क्रॉप लगा दी, आफ्टर वन ईयर हमने उसकी हार्वेस्टिंग कर ली उस क्रॉप की, फिर उसके बाद हमने दूसरी क्रॉप लगा दी. तो क्या होता है कि पूरे राउंड द ईयर हमारे पास ऐसा कोई टाइम नहीं होता कि हमारी क्रॉप ना लगी हो फील्ड में, और हमें हमेशा ही मतलब प्रॉफिट होता रहता है, हमें पैसे आते रहते हैं. तो क्रॉप रोटेशन का ये मतलब है. जैसे कि हम लेग्यूम्स लगा सकते हैं, वीट लगा सकते हैं, इनकी क्रॉप रोटेशन चला सकते हैं, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनका बेनिफिट बहुत होता है. और ये बहुत प्रैक्टिस होती है जिसकी ताकि जो फार्मर्स हैं उनको बहुत प्रॉफिट हो और वो ज़्यादा पैसे कमा पाएँ और हमें ज़्यादा खाने को मिले, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें एक ही पीस ऑफ लैंड से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए ताकि ज़्यादा लोगों को ज़्यादा खाना मिल पाए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू.